जय हिंद। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज यूपी। आजमगढ़ के ब्लॉक महाराजगंज अंतर्गत देवनपुर में कोटेदार राजकुशोर ने लगाया बोरे में कम राशन मिलने का आरोप। आए दिन ग्रामीणों द्वारा आरोप लगता रहता है कि कोटेदार गढ़तौली में कम राशन देते हैं और पर यूनिट 1 kg राशन कम मिलने से इसी कड़ी में ब्लॉक महाराजगंज अंतर्गत ग्राम देवनपुर में कोटेदार द्वारा जब ट्रक से राशन की बोरियां उतारी जा रही थी उसी दौरान निगरानी के लिए मीडिया टीम वहां पहुंच गई। कोटेदार राजकिशोर तिवारी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बोरे के वजन सहित 50 किलो राशन दिया जाता है, जबकि 500 ग्राम बोरे का वजन जोड़कर ना मिलने से एक बोरा राशन कम हो जाता है। इसलिए कार्डधारकों को राशन में से थोड़ा थोड़ा कम दिया जाता है। आइए सुनाते हैं कि कोटेदार राजकिशोर ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। गांव कौन सा पड़ता है? ग्राम सभा देवनपुर। और ब्लॉक तहसील सगड़ी। क्या समस्या है? आपके नाम कोटा है, कोटा आप ही नाम है, तो आपकी क्या समस्या है? जो गल्ला यही है कि बोरा बात है कि आदेश भर क्या आपको राशन कुछ कम में दिया जाता है विभाग की तरफ से? तो आपने इसकी सूचना कभी विभागीय अधिकारी को दिया खाद्य आपूर्ति विभाग में? कहाँ है सप्लाई से कहा है बोरा बात नहीं किया। क्या कहा उन्होंने? यही बात कहा है कि बोरा का वजन ले लीजिए। अच्छा, तो अब आपकी बार है कितने किलो आपको कम दिया गया है ट्राली पे? कितने किलो कितने बोरे कम मिले हैं आपको? एक बोरा। अच्छा, 30 किलो कम मिला है हमें। अच्छा हाँ, 30 किलो कम मिला है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप इसके मतलब समस्या ही का समाधान हो इससे और तिवारी। गाँव कौन सा पड़ता है? ग्राम सभा देवनपुर। और ब्लॉक तहसील सगड़ी। अच्छा, तो यहाँ राशन गल्ला आया है आपके पास जो ट्राली पे लगा हुआ है, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि बोरा बात करके हमें मिलना चाहिए, बोरा बात करके नहीं मिलता है। अच्छा, अब की बार जबकि 30 किलो में कम राशन प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो क्या इसकी सूचना खाद्य आपूर्ति विभाग को आपने दिया है? हाँ, सरप्राइज साहब को मैंने बोला है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि हमें मतलब कि बोरा बात करके ही लेना है। अच्छा हाँ, ऊपर से आदेश भी है मेरे पास, मतलब हो चुका है कि बोरा बात करके ही लेना है हम लोगों को, बोरा बात करके नहीं यहाँ राशन कम प्राप्त होता है। तो अब क्या चाहते हैं आप? आगे समस्या ये समस्या का समाधान हो। अच्छा,